वो मेरे सामने वाली खिड़की पे एक चांद का टुकड़ा रहता है। तो मेरी जान, जब भी ये वाला कोई भी सॉन्ग सुनते हो या वैसा कुछ सुनते हो तो सबसे पहला ख्याल आपके दिमाग में यही आता है ना कि यार वो सामने वाली लड़की, वो घर के पास वाली लड़की, वो घर के बगल वाली लड़की, वो घर के पड़ोसन जुनिया भी है जो भी है, तो वो। तो भाई आप में से शायद कि कुछ लोगों ने पटाया हो, कुछ लोगों ने नहीं पटाया अपनी पड़ोसन को। तो आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ, यही बताने वाला हूँ कि अपने घर के पड़ोस की लड़की कैसे पटाएं। तो भाई सबसे पहली जो टिप होगी वो ये होगी कि आजकल सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, तो भाई मेरे चैनल पे अगर नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद में वीडियो देखना। मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ ना, वीडियो कहीं भाग रही है, आराम से बैठ के देखना बिल्कुल प्यार से बिना स्किप किए। तो जो सबसे पहली टिप है उसमें आप ये जान लो कि उसको पटाएंगे कैसे। पटाने के लिए तो मतलब वीडियोस तो देखोगे आपको एक से एक मिल जाएंगी, एक से एक बढ़िया बढ़िया वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ मैं कुछ अलग बताऊंगा, कुछ ऐसा बताऊंगा कि जो आप अप्लाई कर पाओ, क्योंकि आप भी मिडिल क्लास फैमिली से ही होगे जैसे मैं हूँ। तो मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा कि भाई घर वालों को भी शक ना हो, ना उसके घर वालों को शक हो, और आप खेल जाओ। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला जो कदम होता है लड़की को पटाने का, उसके माँ बाप को पटा लो मेरी जान। जब मेरे मतलब मेरे लिए उसके माँ बाप को पटा लोगे तो धीरे धीरे जब उससे बात करने लगोगे, उसके घर जाने लगोगे, उसके माँ बाप से बात करोगे, तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, आप उसकी जा करके उस लड़की से बात कर सकते हो। वो ऐसे बात करना है कि जैसे कि आपके मतलब आपकी मम्मी होंगी या फिर आपके पापा उसके पापा को जानते होंगे, आपकी मम्मी और उसकी मम्मी को जानती होंगी, तो उसके घर भी जाती होंगी, जब उसके घर जाती होंगी तो कुछ ना कुछ बातें होती है, तो बीच में टपक जाया करो, है ना। घर से बाहर निकलो तो उसे नोटिस करवाते हुए निकलो, और जब भी निकलो तो चड्डी पहन के मत बाहर निकलो, निकलना है तो चड्डा पहन के निकलो या पैंट पहन के निकलो। छत पे जा रहे हो तो छत पे भी थोड़ा स्मार्ट सा बन के जाओ, बाल वाल झाड़ के जाओ, यू नो जैसा भी कहते हो उसे, बाल वाल थोड़ा सही से बना के जाओ, छत पे जाओ, रोडली पहुँचो, पतंग सतंग उड़ाओ, उसको भी पतंग में बांध के उड़ा देना। तो ऐसा ही करना होता है कि आप उसे बस दिखाते रहो कि हाँ मैं हूँ आप। उसे कैसे भी चल के बात करनी है, अब बात करने में तो यार देखो पड़ोसन से बात करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, किसी भी बहाने से बात कर लो, अरे तुम्हारे यहाँ से मेरे यहाँ आ गई, ये उड़ के यहाँ आ गया, वो उड़ के आ गया, ये उड़ के समझ रहे हो ना, वही उड़ के आ गया यहाँ पे, तो ये तुम्हारा है या मेरा है, कुछ भी हो ऐसा भी। उसके भाई से बात करो, उसके भाई को पटाओ, उसको घर पे बुलाने जाओ। तो ऐसे ही करते करते धीरे धीरे तो कुछ ना कुछ करके तुम तो पटा ही लोगे। तो भाई ऐसे ही कुछ होता है, बहुत बड़ा तोप नहीं मारना होता, इसके लिए कोई डायलॉग भी नहीं चाहिए होते, क्योंकि भाई वो आपकी हर कमजोरी जानती है, सब कुछ जानती है, तुम उसके गल गली के ही हो यार, तो तुम्हारी हर कमजोरी जानती है, इसके लिए कोई सीक्रेट नहीं है या फिर कोई मेरे पास ऐसा मंत्र नहीं है कि झाड़ फूक मार लो और सुबह जाके पटा लो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। कुछ टाइम लगता है, एक दो हफ्ते, लेकिन हाँ ऐसे लाइन मारोगे तो पट ही जाएगी। और लाइन मारना नहीं आता है तो मेरी वीडियोज़ हैं, देख लो जाके, लाइन मारना सीख जाओगे, डायलॉग सीख जाओगे, आई लव यू बोलना सीख जाओगे, प्रपोज मारना सीख जाओगे, सब कुछ सिखा रखा है मेरी जान। तो बस आप जाके देखो और पटा लो। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो फिर भाई सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक भी करते चलो, थोड़ी सी लाइक बढ़ा दो। वैसे भी मैंने मतलब आज एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक भाई ने बोला कि मैंने इतने का लाइक का एम रखा है, मैंने उतने लाइक का एम रखा है, तो मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी आज रख ही देता हूँ। तो सबसे पहली लाइक का एम पता है हमारा कितना होगा, ज़्यादा नहीं मेरे भाई, सिर्फ आप 50 लाइक करवा दो, 50 लाइक, समझ रहे हो, बस 50 लाइक चाहिए मेरे को, ज़्यादा नहीं चाहिए, उसके बाद में तो देखते हैं। पहले बस इस वाली वीडियो में 50 लाइक भिजवाओ, उसके बाद में फिर देखते हैं हम कि आगे क्या करना है। और सॉरी कि वीडियोस लेट आ रही हैं, लेकिन भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा डालूँ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाऊँ। और अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट करके बोल देना, किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो भी बोल देना, और हर टॉपिक की वीडियो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसका भी नहीं, जिन लोगों ने बोला है कि भाई मेरे को इस टॉपिक पे चाहिए, मेरे को इस टॉपिक पे चाहिए, मैं सबकी कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, तो भाई आपका भी बन जाएगा जल्दी, मैं आपको बताऊँगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।